गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो जो हमारा कल का लेक्चर था लाइट के बारे में, वैसे तो उन पार्ट में से एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं पूछा जाता, लेकिन कुछ बच्चों का कमेंट आया और सजेशन आए कि सर आप ऐसे नहीं ऐसे वीडियो बनाइए, क्योंकि मैं अग्री करता हूँ कि उस वीडियो में क्लैरिटी का प्रॉब्लम था। ऑलराइट, फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि उसमें वॉइस का कोई प्रॉब्लम था नहीं था, तो अगर आप उस वीडियो को अगर सुनोगे भी और सुन के भी अगर आपने लिखने का काम कर लिया तो आपको उस वीडियो के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पता चल जाएंगे। थोड़ा काम ज़रूर बढ़ जाएगा लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो पता चल जाएंगे। और हमें जानना भी वही ज़रूरी है कि वो लाइट का इंट्रोडक्शन में था क्या 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 था। करेक्ट, अब हम रियल टॉपिक में जाके हम हमारा पहला टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करते हैं, और होपफुली ये जो वीडियो बनेगा वो कम्फर्टेबली थोड़ा अगर हम पिछले वीडियो से कंपेयर करें तो उसे बेटर क्वालिटी का होगा। सो स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर इसे हम डिफाइन करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम लाइट को, या फिर जिस ऑब्जेक्ट पर लाइट गिरता है वो ऑब्जेक्ट लाइट को सेंड बैक करता है, वापस से भेज देता है। बराबर, तो प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज विच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ऐसा मान लिया जाए कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक प्लेन ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट पर यह लाइट ऐसे पड़ रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, इस लाइट को ऐसे भेज दिया, तो ये रिफ्लेक्शन हो गया। ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट हो गया, लाइट इंसिडेंट, लाइट गिर गया सरफेस के ऊपर, और सरफेस ने क्या किया, बराबर, टू एक्शन ऑपोजिट रिएक्शन, अगर ऐसा भी हम कंसिडर कर सकते हैं, तो कोई मतलब लॉजिकली ऐसा कंसिडर कर सकते हैं, ये एक्शन हो गया और ये रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो ये लाइट को इसने वापस भेज दिया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, और यही प्रोसेस जो है, प्रोसेस कि लाइट रे इंसिडेंट होता है, उसको सरफेस क्या करता है, वापस सेंड बैक्स, इट सेंड बैक्स, इसने इसको वापस भेज दिया, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा, हमें कुछ बातें नोट करनी है कि एन ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड, एक पॉलिश्ड सरफेस होगा, शाइनी सरफेस होगा, तो वो ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा। बराबर, जितने लाइट गिरेंगे उसमें से मैक्सिमम लाइट वो रिफ्लेक्ट करेगा। और वहीं ऑन दी अदर हैंड अगर आपने रफ सरफेस ले लिया, डल सरफेस ले लिया, या अनपॉलिश्ड सरफेस ले लिया, तो कंपेयर टू पॉलिश्ड सरफेस इट विल रिफ्लेक्ट लेसर लाइट। समझ में आया, यानी अगर एक एग्जांपल लेके समझे, अगर 100 रे ऑफ लाइट आए, बराबर 100 रेज ऑफ लाइट आए, तो पॉलिश्ड सरफेस समझो उसमें से 99 को तो रिफ्लेक्ट कर ही देगा, अगर प्रॉपर पॉलिश्ड अच्छा सरफेस रहा तो। लेकिन अगर डल सरफेस पर, डल सरफेस, अनपॉलिश्ड सरफेस पर अगर 100 लाइट गिर रहे हैं, तो ये कंपेटिवली 99 नहीं रिफ्लेक्ट करेगा, ये बहुत कम रिफ्लेक्ट करेगा, ये 80-85 के आसपास रिफ्लेक्ट करेगा। ये सिर्फ एग्जांपल हमारे कंसेप्ट को समझने के लिए था। बराबर है, ओके। अब हमें ये रिफ्लेक्शन में कुछ लॉज को समझने हैं, और वो लॉ को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को समझने हैं। तो ये पूरे चैप्टर में हम एक लॉ पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जिसका नाम है, आपने ऑलरेडी 8th में पढ़ चुका है, तो ये कोई नई बात नहीं है। तो हम जान जाते हैं कि भाई इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के बारे में हम पढ़ेंगे, हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्टेड रे के बारे में, हम पढ़ेंगे नॉर्मल के बारे में, हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले ये फिगर में जो आपको ये m m' दिख रहा है, ये आपका एक प्लेन पॉलिश्ड सरफेस है, m m' एक प्लेन पॉलिश्ड सरफेस है। जो AO रेड कलर में AO दिख रहा है, ये हमारा इंसिडेंट रे है, ये हमारा कौन है, इंसिडेंट रे। तो दिस इज़ नथिंग बट इंसिडेंट रे, ये हमारा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है। ऑलराइट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, अब ये इंसिडेंट रे सरफेस के किस पॉइंट पर इंसिडेंट है, तो पॉइंट O पर। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कौन है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस O है, ठीक है। तो दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस,
ऑल राइट। फिर रिफ्लेक्टेड रे, अब ये बता दोगे आप, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि सर बीओ जो है ना ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, नॉर्मल। ये जो लाइन दिख रहा है बराबर, ये एक ऐसा लाइन होता है जो सरफेस है ना, सरफेस, सरफेस को 90 डिग्री पर रहेगा, यानी राइट एंगल पर रहेगा। जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होने वाला है, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, हम इसको इमेजिन करते हैं, तो नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो उस सरफेस को क्या होगा, परपेंडिक्यूलर होगा। तो दिख रहा है ये नॉर्मल, ये भी कहाँ मिलता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में मिलता है। तो दिस इज नॉर्मल, दिस लाइन एन ओ इज नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बच्चे कई बार समझ नहीं पाते भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या। तो आप याद रखो, ये नॉर्मल का जो लाइन है और इंसिडेंट रे का जो लाइन है, नॉर्मल का जो लाइन है और इंसिडेंट रे का जो लाइन है, उनके बीच का एंगल जो है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। कई बार बच्चे ये ले लेते हैं, ये सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, ये वाला एंगल, बट ये रॉन्ग होगा, मैं ऐसा मार्क कर देता हूँ, ये रॉन्ग होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं होता है। नॉर्मल देख लो कहाँ पर है और इंसिडेंट रे कहाँ पर है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही होगा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक ऐसा एंगल है जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का होता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बहुत अच्छे से याद रख लेना। नीचे है ना एक एक पॉइंट का डेफिनेशन मैंने दे दिया है, जैसे कि इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे कौन है भाई, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। वो एक ऐसा रे ऑफ लाइट जो सरफेस के ऊपर गिरता है उसी को बोलते हैं हम लोग इंसिडेंट रे। फिर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन, द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे फॉल्स, जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे फॉल होगा वही होगा हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ओके। रिफ्लेक्टेड रे, अब ये रिफ्लेक्टेड रे कौन सा होगा, तो द रे ऑफ लाइट विच फॉल विच इज सेंट बैक बाय द सरफेस, बराबर। तो सरफेस जो है जिस रे ऑफ लाइट को वापस भेज देगा उसी को बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल, नॉर्मल कौन है, इट इज़ अ लाइन, तो एक लाइन है भाई, इमेजिनरी लाइन है, एट राइट एंगल टू द सरफेस एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, बराबर। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये जो लाइन नॉर्मल है ये सरफेस को क्या होगा, 90 डिग्री होगा। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये नॉर्मल सरफेस को क्या होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, तो एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, सो दिस पार्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस डिनोटेड बाय आई, ओके। द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिनोटेड बाय आर। तो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ से आपने इस लॉ को पहले भी किया है, तो हम एक लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका फर्स्ट लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि भाई द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहने का मतलब ये देख लो भाई, ये पेपर क्या आपका प्लेन है, दिस पेपर इज़ अ प्लेन, इजंट इट, एंड कैन यू सी द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये तीनों क्या इसी प्लेन पर रिप्रेजेंट हो चुके हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यस। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो कहता है भाई आपका इंसिडेंट रे, आपका रिफ्लेक्टेड रे और आपका नॉर्मल ये सब एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, ठीक है। सेकेंड लॉ, नाउ सेकेंड लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहता है कि भाई द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हमेशा ही इक्वल होता है, ठीक है, ओके। तो ये दो लॉ आपको याद करने हैं, अगर एग्जाम में आए तो दो लॉ को मेंशन करना होता है। यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, अगर ये सपोज ये कौन हो गया हमारा, ये हो गया ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, किसी ने पूछा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा 30 डिग्री, बिकॉज बोथ आर इक्वल अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, करेक्ट है। बेटा एक क्वेश्चन मैं फ्रेम करता हूँ कि द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे एंड द सरफेस
इज 45 डिग्री। देखो बराबर ध्यान दो, इंसिडेंट रे और सरफेस ने एक एंगल बनाया कितना, 45 डिग्री। तो आप ये बताओ कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल क्या एंगल बनाएंगे, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ठीक है। पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये 45 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये होता है ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का। ये नॉर्मल जो है इस सरफेस को क्या रहता है, परपेंडिकुलर। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर ये 45 तो ये भी क्या होगा, 45। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, 45। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो अगर ये 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 50, दैट इज 40। और ये 40 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना, 40। तो ऐसे भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो कभी कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि वो ये बोल देता है नॉर्मल और सरफेस के बीच का एंगल, तो बच्चों को लगता है भाई यही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, सॉरी यही एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो वही आंसर ले लेते हैं। अब ये जो 45 वाला केस था, चलो उसमें तो सही था, पर ये अगर दूसरा नंबर होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये पूरा जो एंगल है 90 होता है, तो सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में कोई एंगल दिया हो तो 90 से माइनस कर लो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल जाएगा। ये बात आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। फिर एक सवाल और आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से, भाई अगर चलो ये तो इंसिडेंट रे ऐसा गिर रहे हैं, अगर हमारा इंसिडेंट रे नॉर्मल को पैरेलल रहा, नॉर्मल को पैरेलल रहा या नॉर्मल पे ही रहा, ये हमारा इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे नॉर्मल को पैरेलल, तो सरफेस को क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा ना। अगर कोई भी रे नॉर्मल को पैरेलल रहे तो सरफेस को क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री, ठीक है। अगर सरफेस को 90 डिग्री, तो सवाल ये है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। अब डेफिनेशन पर जाओ आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, नॉर्मल के बीच में और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल। भाई नॉर्मल और इंसिडेंट रे ये वक्त पर क्या कर रहे हैं, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो जब ओवरलैप करेंगे तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, जीरो। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, वो भी जीरो। मतलब ये लाइट ऐसे आया और जाएगा ऐसे, ऐसे आया, ऐसे आया और जाएगा ऐसे, समझ में आया। कब, जब लाइट रेज जो हैं वो सरफेस को परपेंडिकुलर होंगे, जब लाइट रेज सरफेस को परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, बराबर। ये बात अच्छे से याद रखना। ऑल राइट।